हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर उमेश वाधवानी है और आज हम बात करने वाले हैं ऑटो इम्यून कंडीशंस के बारे में। ऑटो इम्यून नहीं समझ में आता, थायराइड पता है, ल्यूपस करके कंडीशन है वो पता है, SLE सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटस ये कंडीशन है अगर आपको, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, टाइप 1 डायबिटीज है। ये सारी कंडीशंस क्या होती है, क्यों होती है, इसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं, क्या क्या करना पड़ सकता है हमारे खाने पीने में, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे ये वीडियो में। वीडियो शुरू कर रहे हैं उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा, फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड चलो बात करते हैं ऑटो इम्यून कंडीशंस के बारे में। ऑटो इम्यून के बारे में बात करें उससे पहले हमें इम्यून सिस्टम समझना पड़ेगा, राइट? तो इम्यून सिस्टम के बारे में हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, बट ये बाद में देखना, मैं ब्रीफली समझा रहा हूँ। हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया, वायरस या फंगस होते हैं, उनसे बचाने के लिए हमारी बॉडी का जो रोग प्रतिकारक शक्ति है उसको हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। वो अलग अलग ऑर्गन से बनता है, उसका अलग अलग रोल होता है, वो ये वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो आप बाद में देख लेना। बट ये समझना इसलिए जरूरी है बिकॉज ऑटो इम्यून कंडीशन में होता क्या है, रोग प्रतिकारक शक्ति जिसका काम है हमें बाहर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाना, वो अगर हमारी बॉडी के सेल्स को ही अपना दुश्मन मान के उस पर अटैक करने लगे और उसकी वजह से जो बीमारियां होती हैं जिसको हम बुलाते हैं ऑटो इम्यून कंडीशंस। तो ऑटो इम्यून कंडीशंस आर लिटरली हमारी बॉडी का सिक्योरिटी सिस्टम खराब हो चुका है, वो कंफ्यूज हो रहा है कि ये बैक्टीरिया वायरस है या हमारी बॉडी है, उनको पता नहीं चल रहा है, हमारी बॉडी के सेल्स को हमारा खतरा समझ रहा है और उसी को अटैक कर रहा है और उसी को अटैक कर रहा है, तो जो पार्ट को अटैक कर रहा है उससे रिलेटेड बीमारियां होंगी। तो वो क्यों होती है, कौन कौन सी बीमारियां होती है, वो जानेंगे हम दूसरे पॉइंट में। एंड दूसरा पॉइंट इज कॉमन ऑटो इम्यून कंडीशंस। तो आपने थायराइड का सुना होगा, सो थायराइड ग्लैंड है यहाँ पे जो T3 T4 कैल्सिट्रोनिन जैसे हार्मोन रिलीज करती है, जिन हार्मोन्स का कुछ काम है, पर अगर थायराइड ग्लैंड सही से काम नहीं कर रही है, जो मेजॉरिटी ऑफ द रीजंस है ऑटो इम्यून, आपकी बॉडी आपके थायराइड ग्लैंड को अपना खतरा समझ रही है, दुश्मन समझ रही है, उसको अटैक कर रही है, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड सही से काम नहीं कर पा रही है, तो आपको थायराइड प्रॉब्लम्स होंगे। तो अगर थायराइड प्रॉब्लम है उस पर हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, इसका लिंक यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एन ऑटो इम्यून कंडीशन। मैनेज कैसे करना है आगे हम बात करेंगे, बट अदर कंडीशन इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जहाँ पे आपके जॉइंट्स को आपकी बॉडी खतरा समझ रही है, उस पर अटैक कर रही है, तो आपको जॉइंट इश्यूज हो रहे हैं। देन देयर इज दिस कंडीशन कॉल्ड ल्यूपस, जो कोई बॉडी एक पार्ट पे हो सकती है या तो पूरी सिस्टम में हो सकती है, तो उस हिसाब से जहाँ जहाँ पे भी उसने अफेक्ट किया है वहाँ वहाँ पे आपको एक्स, पेन्स, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑटो इम्यून कंडीशन एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वंस इज डायबिटीज एज वेल। तो डायबिटीज आपके खाने पीने की आदतों की वजह से भी होता है, पर देन देयर इज दिस टाइप ऑफ डायबिटीज जिसको हम बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज, जो होता है ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से, जहां पे आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम आपके पैंक्रियास को, पैंक्रियास के सेल्स को अपना दुश्मन समझ रही है, उस पर अटैक कर रही है, जिसकी वजह से आपका पैंक्रियास इंसुलिन बना नहीं पा रहा है और आप शुगर को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आपका शुगर लेवल ऊपर जाएगा एंड आपको डायबिटीज होगा। तो ये सारी कंडीशन होती क्यों है, सच बताऊं मेडिकल दुनिया के पास उसका जवाब नहीं है। मेडिकल दुनिया के पास जिसका जवाब नहीं होता है उसको हम बोलते हैं इडियोपैथिक कंडीशन। बट देर आर सम पैटर्न्स जो हमने नोट किए हैं, अगर आपके पेरेंट्स को, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को, आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को ऑटो इम्यून कंडीशन है, तो जेनेटिकली वो आप में भी आ सकता है। तो यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस लाइफस्टाइल वाइज। क्या वो प्रिकॉशंस हैं वो अगले पॉइंट्स में हम बात करने वाले हैं, बट दिस वॉज द बेसिक अबाउट ऑटो इम्यून कंडीशन क्या होती है और उसके प्रकार क्या क्या होते हैं, ठीक है? तो अब आप बोलोगे कि इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा। सबसे पहले आपको एक MD मेडिसिन के कंसल्टेशन में रहना पड़ेगा, आपको डायग्नोसिस करवाना पड़ेगा, आपको अलग अलग एग्जामिनेशन कराने पड़ेंगे, आपके एंटीबॉडी टेस्ट होंगे, उस हिसाब से आपका मेडिकेशन डिसाइड होगा। हाँ, मेडिकेशन आपका दुश्मन नहीं है। आपको अगर जॉइंट पेन हो रखा है, आपको शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा है, आपको हाइपरग्लिसेमिया या आपके ब्लड शुगर लेवल्स ऊपर या नीचे जा रहे हैं, तो यू कांट बी लाइक कि मैं नेचुरल के चक्कर में मेरी लाइफ को मिजरेबल बनाऊं। नहीं, आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन लेना पड़ सकता है, बट दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू। सेकंड थिंग इज यू हैव टू स्टार्ट मैनेजिंग योर लाइफस्टाइल। हाउ डू यू डू दैट? लाइफस्टाइल के बारे में हर वीडियो में मैं बात करता हूँ। देर आर 4 things दैट यू नीड टू मैनेज टू बेटर योर लाइफस्टाइल: फूड, मूवमेंट, स्लीप एंड स्ट्रेस। न्यूट्रिशन में आपको एक बैलेंस्ड डाइट खाना पड़ेगा, जहाँ पे अच्छा कार्ब, अच्छा प्रोटीन, अच्छा फैट्स और अच्छा फाइबर है, प्रीबायोटिक्स है, प्रोबायोटिक्स है, आपको अच्छे से पानी पीना है। और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी, आपको रिफाइंड शुगर को मिनिमाइज करना है, मीठी चीज़ों को मिनिमाइज करना है, आपको तली हुई चीज़ों को मिनिमाइज करना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ बंद करना है, मिनिमाइज द थिंग्स विच आर अफेक्टिंग योर हेल्थ इन अ नेगेटिव वे एंड मैक्सिमाइज द थिंग्स विच आर एसेंशियल फॉर योर बॉडी, लाइक कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स एंड वाटर। ये चीज़ें करना शुरू करोगे तो आपका
आपका फूड सही होगा, दैट विल टिक अ ह्यूज बॉक्स ऑफ योर लाइफस्टाइल चेंज। टू, अगर आप सेडेंटरी लाइफ जीते हो, आप बिल्कुल वर्कआउट नहीं करते हो, तो स्टार्ट मूविंग। इट कुड बी 15 मिनट वॉक्स आफ्टर एवरी मील। कुछ नहीं कर रहे हो, उससे बेहतर है ब्रेकफास्ट लंच और डिनर खाते ही 10-15 मिनट के बाद वॉक पे चले जाओ। बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है, घर पे ही कर लो। उसके बाद अगर आपको योगा अच्छा लगता है, जुम्बा अच्छा लगता है, जिम जाना अच्छा लगता है, स्पोर्ट्स खेलना अच्छा लगता है, मेक श्योर यू आर डूइंग सम ऑफ दिस एवरी डे। आइडिया इज टू मूव। क्या मूवमेंट करना है आप अपना मोजो चूज करो। थर्ड, नींद। नींद को रेगुलेट करना है। जल्दी सोना, जल्दी उठना मैं नहीं बोल रहा, अगर आप वो कर सकते हो अमेजिंग, बट अगर आपको रात को 2 बजे तक काम है, आप रोज 2 बजे तक सो रहे हो, तो मेक श्योर रोज रात को 2 बजे सो रहे हो। सुबह जितने बजे भी उठना है उतने बजे उठो, बट स्लीपिंग आवर्स, वेकिंग अप आवर्स शुड बी सेम। क्रिएट अ रेगुलर स्लीप रूटीन फॉर योरसेल्फ, जहां पे आप 6 से 8 घंटे की नींद ले रहे हो, वो भी रेगुलरली। अगर उसमें कहीं दिक्कत आ रही है तो कंसल्ट अ न्यूरोलॉजिस्ट, कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट। एंड साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट की बात आती है तो हम स्ट्रेस के बारे में भी बात कर लेते हैं। स्ट्रेस पे हमने डिटेल में अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। बट स्ट्रेस इज अ वेरी पर्सनल थिंग, सबकी लाइफ में स्ट्रेस होता है, कुछ लोग उसको बेहतर मैनेज करते हैं। आपने कभी सोचा है, हम कभी ऐसा नहीं बोलते स्ट्रेस को क्योर करना है, वी ऑलवेज टॉक अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट, बिकॉज स्ट्रेस इज अ वाइटल प्रोसेस जो हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है। स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आते रहेंगे, उनको हमें अच्छे तरीके से मैनेज करना है। वीडियो दिया है, देखो, यू हैव टू मैनेज दैट। फूड, मूवमेंट, स्लीप एंड स्ट्रेस, ये 4 चीजें करना शुरू करोगे, आपकी लाइफ बेहतर हो सकती है, इवन विद एन ऑटो इम्यून कंडीशन। ऑटो इम्यून कंडीशन आर नॉट परमानेंटली क्योरेबल, बट आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर कर सकते हो। आगे के कुछ स्टेप्स भी हैं, सुनो एंड समझो। एडुकेट योरसेल्फ, बिकॉज ऑटो इम्यून कंडीशन में होता क्या है, आपको अलग अलग फ्लेयर्स होते हैं, अलग अलग ट्रिगर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो आपको पूरा दिन पेन नहीं करेगा जॉइंट्स, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू वुड डू जिसकी वजह से आपका पेन एग्रेवेट या ट्रिगर होगा। आइडेंटिफाई दोस ट्रिगर्स। इट कुड बी यू गोइंग आउटसाइड इन अ क्लाउडी वेदर, इट कुड बी आफ्टर ईटिंग समथिंग, इट कुड बी आपने सही से नींद नहीं ली उसकी वजह से हो रहा है, इट कुड बी अल्कोहल, इट कुड बी स्मोकिंग। जो भी ट्रिगर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करो, उनको मिनिमाइज करने की ट्राई करो। फॉर दैट यू नीड टू बी इन टच विथ योर बॉडी, आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स, I'm minimizing it. And constant support. You can work with a professional like me, जहाँ पे हम आपका डाइट प्लान फिगर आउट कर सकते हैं, आपके ट्रिगर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ट्रिगर्स को अवॉइड कैसे करना है उसका एक रूटीन तैयार कर सकते हैं। एंड दैट्स वेयर आई कैन हेल्प यू, एंड देर आर 2 वेज आई कैन हेल्प यू विथ। 1, आई हैव डिजाइन दिस 4 आवर का छोटा सा न्यूट्रिशन एंड लाइफ स्टाइल चेंज प्रोग्राम जो प्री रिकॉर्डेड है। आप साइन अप करोगे, आपको सारा कोर्स एक्सेस मिल जाएगा। ये कोर्स आपको सिखाएगा कि आप अपने गोल के लिए अपना डाइट प्लान और डाइट रूटीन कैसे फिक्स कर सकते हो। सीख गए, इसके बाद जो कुछ भी सवाल है वो सवालों के जवाब आपको मिलेंगे मंथली लाइव सेशंस में। आपको ये कोर्स में मंथली 2 लाइव सेशंस मिल रहे हैं। 1 होगा न्यूट्रिशनिस्ट के साथ, जहां पे आप आपके सारे सवालों के जवाब ले सकते हो। 2 होगा एक प्रोफेशनल शेफ के साथ, जो आपको सिखाएगा कि आपका हेल्दी ईटिंग आपके घर के खाने में आप कैसे फिट कर सकते हो। सिंपल है, लाइफ टाइम एक्सेस है ये कोर्स का। डिटेल्स मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको और हैंड्स ऑन हैंड होल्डिंग चाहिए तो मैं 3 महीने का लाइफ स्टाइल चेंज कोचिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करता हूँ। वो साइन अप करो, जहां पे आपको एक स्ट्रक्चर्ड क्वांटिफाइड प्लान मिलेगा, वो आप फॉलो करना शुरू करो। आपको हर हफ्ते फॉलो अप कॉल्स मिलेंगे, आपको एक पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट मिलेगा जो रोज का रोज आपसे चेक इन करेगा, अकाउंटेबल रखेगा कि आप सही से चीजें फॉलो कर रहे हो कि नहीं। ऑल्सो आपको रेगुलर सपोर्ट मिलेगा अगर आप कहीं पे भी अटकते हो, कि शादी में गए, हॉलीडे पे गए, बाहर खाना खाने गए, कहीं पे भी आप अटके हो, आप वो न्यूट्रिशन मेंटोर को पूछ सकते हो, आपको जवाब मिल जाएगा। बट ये 3 महीने इतने डिटेल्ड होंगे कि 3 महीने के बाद आप आपके खुद के न्यूट्रिशनिस्ट बन जाओगे। आपको उसके बाद मेरी या और कोच की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी कंडीशन के लिए जो जो भी करना है वो खुद से कर पाओगे। सो दिस वॉज अ टाइनी वीडियो अबाउट ऑटो इम्यून कंडीशंस। दे आर नॉट परमानेंट क्यूरेबल बट मैनेजेबल। क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर कर सकते हो आप, आपकी एनर्जी लेवल्स बेहतर कर सकते हो, आप आपकी ओवरऑल हेल्थ बेहतर कर सकते हो, आप आपके मेडिकेशंस को रिड्यूस कर सकते हो बाय फॉलोइंग दीज चेंजेस। वीडियो अच्छा लगा हो तो गिव दिस अ लाइक। कुछ सवाल है तो कमेंट्स में मुझसे पूछो। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस, डायबिटीज, ल्यूपस या थायराइड का प्रॉब्लम है या कोई भी ऑटो इम्यून कंडीशन है। आपको कोई वीडियो रिक्वेस्ट है वो भी आप मुझे बता सकते हो। चैनल सब्सक्राइब कर लो अभी तक नहीं किया है तो, एंड अपना ध्यान रखो। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, ठीक है।